हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है अप्पू जॉय व्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल चीज़ जिसका नाम है गुलाब जामुन। आप सभी लोगों को भी पसंद है और हमको भी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलते हैं इसकी रेसिपी। मैं आपको फुल रेसिपी बताने वाली हूँ। पिछली बार मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी बताई थी पर बहुत शॉर्ट में बताई थी, और इसीलिए मैं इस बार आपको फुल रेसिपी बताने वाली हूँ। बनाने वाले हैं अर्पित जी और मैं, और नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब। आज हम बनाने वाले हैं पैकेट वाले गुलाब जामुन, जो कि इमरजेंसी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, फटाफट भी बन जाते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान भी हमको नहीं लाना पड़ता है। और हमने इसमें डाल रहे हैं मिल्क। पैकेट हमने ओपन कर लिया था, अब मिल्क डल रहा है। फटाफट इसको ना टाइट गूंदेंगे, जैसे हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं उससे भी हमको थोड़ा सा टाइट ही रखना है इसका आटा। और ये सारा जो आटा है ये अर्पित जी ही गूंद रहे हैं। और उसके बाद इसको ना अब 15 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं हम। जब उनका आटा हमारा गूंद लिया अर्पित जी ने, अर्पित जी आपने गूंद लिया? हाँ। और हमने उसको 15 मिनट के लिए रख भी दिया है। गाइस आप ट्राईपोर्ट दिखा रहे हो क्या? और ये नया ट्राईपोर्ट है, वही ट्राईपोर्ट है जो हम दिवाली पे नया लाए थे। और अब उसको 15 मिनट के लिए रख दिया है गलने के लिए, ताकि अच्छे से गल सके, फिर हम बनाएंगे गुलाब जामुन। और इधर हमने कर दिया गोलियां बनाना स्टार्ट, और गोलियों में हम बीच में डालेंगे किशमिश ताकि अच्छे से फूल सके। और अर्पित जी फटाफट बना लेते हैं इसलिए मैं इनको तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, और साइज़ थोड़ा छोटा ही कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार थोड़ा साइज़ हमने बड़ा कर दिया था और फूलने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए इस टाइप की थोड़ी सी मैं छोटी छोटी रखूँगी। और अर्पित जी ने फटाफट इतनी सारी गोलियाँ बना दिए। हम दोनों मिलके करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा काम होता है। जब तक मैं रखती थी चाशनी के लिए सबसे पहले मैंने रखा है 2 ग्लास पानी, और 4 कटोरी में डालूंगी इसमें शक्कर मैंने 4 कटोरी डाली, और 1.5 ग्लास पानी डाला। अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारी चाशनी को होने में। हमने चाशनी रख दी है, गोलियाँ हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम तलेंगे गोलियों को, और चाशनी थोड़ी हो जाए उसके बाद हम तलना स्टार्ट करेंगे, ताकि तलते तलते हम चाशनी में डाल सकें। तो चलते हैं अब आगे। इधर हमारी चाशनी हो ही गई है, अब इधर हम रखेंगे एक साइड कढ़ाई में तेल, और ठंडा तेल में ही, ज़्यादा गर्म हमको नहीं करने है, थोड़े ठंडे तेल में ही हमको फटाफट से इनको तलना है, ताकि ठंडे तेल में तलेगी तो अंदर तक अच्छी तरीके से भुन जाएगी, और इस तरीके से हमको हिलाना है ताकि नीचे चोटे नहीं, अगर वो छोट जाएगी नीचे तो फिर वो चौकोर सा शेप ले लेगी। और इधर अर्पित जी कर रहे हैं सारा काम क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हमारी गुलाब जामुन हो गई है सुनहरी। तो अर्पित जी क्या कहना चाहोगे आप? अब इसको निकाल के चाशनी में डालनी है गाइस, और कमेंट में जरूर बताएं गुलाब जामुन कैसी लगी, किस किस को गुलाब जामुन पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, अर्पित जी को ज्यादा पसंद है। तो एक बार कैमरे से दिखाओ इधर। बिल्कुल दिखाती हूँ मैं, सुनहरी हो चुकी है गाइस, और हमारी गुलाब जामुन भी अच्छी फूली है। गुलाब जामुन भी काफी अच्छी फूली है, हमने बहुत छोटी छोटी बनाई थी लेकिन वो बहुत काफी बड़ी हो गई है। तो अब गुलाब जामुन को चाशनी में डालने की बारी आ चुकी है, तो चलो डालते हैं। इधर हमने डालना स्टार्ट कर दिया है गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर, और फटाफट से हम सारी गुलाब जामुन डाल देंगे, और ये जल्दी से रस पी लेती है गाइस पैकेट वाली, और लगती भी अच्छी है, टेस्टी लगती है मावे के मुकाबले। मतलब अगर मावे का 100% टेस्ट है तो इसका 90% तो रहता ही है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखो फूल की कितनी बड़ी बड़ी हो गई आपको मैंने। सो गाइस हमारी गुलाब जामुन हो गई है रेडी, इधर देख सकते हो आप। और अर्पित जी क्या बोलना चाहोगे गुलाब जामुन के बारे में? तो गाइस सभी लोग गुलाब जामुन आ जाओ खा लो। बिल्कुल आओ गाइस। और भाई दूज के लिए मैंने बनाई है, कल हम भाई दूज मनाने वाले हैं, तो सभी को गुलाब जामुन जो है हमने दिवाली पे बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने भाई दूज के लिए फिर से बनाई है। तो अब करते हैं हम ब्लॉग को यहीं एंड। अर्पित जी क्या कहना चाहोगे? मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।